बॉलीवुड के मिस्टर दिग्गज एक्टर आमिर खान के चाहने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। जी हां, आमिर की फिल्मों का फैंस को बेसब्री से इंतजार रहता है। एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अब आमिर को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे उनके फैंस को झटका लगने वाला है। आपको बता दें कि आमिर खान को कोरोना हो गया है और वो होम क्वारंटीन है। आमिर खान को फैंस काफ़ी दिनों से पर्दे पर देखने को बेकरार हैं। थग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद से ही आमिर को फैंस ने पर्दे पर नहीं देखा है। ऐसे में हाल ही में एक्टर का एक गाना रिलीज़ हुआ है जिसको फैंस ने बहुत पसंद किया। जी हां, आमिर खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आमिर खान ने वायरस के लिए सकारात्मक प्रशिक्षण किया है, आपको बता दें कि, और अपने घर पर ही खुद को कैद कर लिया है। आमिर के कोरोना पॉजिटिव होने से अब उनका काम भी रुक गया है। वह पूरी तरीके से ठीक होने के बाद लाल सिंह चड्ढा के लिए शूटिंग फिर से शुरू करेंगे। खबर के अनुसार आमिर खान ने कहा कि वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, वो घर पर सेल्फ क्वारंटीन में हैं और सभी प्रोटोकॉल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, वो ठीक हैं। जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनको एहतियात बरतने को कहा गया है। एहतियात बरते फैंस के लिए भी उन्होंने कहा है कि आप सब भी एहतियात बरतें और सारे नियमों को ज़रूर फॉलो करें। जी हां, आपको बता दें कि आमिर से पहले हाल ही में कार्तिक आर्यन ने पोस्ट के ज़रिए बताया था कि उनको कोरोना हो गया है, जिसके बाद भूल भुलैया टीम का टेस्ट करवाया गया। इससे पहले एक्टर मनोज बाजपेयी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। आमिर ने सोशल मीडिया को अलविदा कहने का ऐलान किया था, जिसके बाद सब चौंक गए थे। अब आमिर ने सोशल मीडिया छोड़ने के पीछे का कारण बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आमिर खान मीडिया से बात करते हुए नज़र आए थे। जी हाँ, वो कह रहे थे कि मैं अपनी धुन की में रहता हूँ, सोशल मीडिया पर हूँ, कहाँ हूँ मुझे भी पता नहीं होता। मुझे लगा वैसे भी मैं कुछ अपलोड नहीं करता हूँ तो सोशल मीडिया पर रहने का क्या फ़ायदा। जी हाँ, तो अब ये खबर आई है कि आमिर खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अपने घर पर ही होम क्वारंटीन हैं। आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइव से। सुरभि की रिपोर्ट।